हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन है गेटिंग टू नो प्लांट्स, आज हम उसी लेसन को आगे करते हैं। तो आज हम करेंगे जो रूट सिस्टम होता है उसके बारे में। रूट सिस्टम में हमारे दो टाइप आते हैं, एक तो टैप रूट सिस्टम और दूसरा फाइब्रेट रूट सिस्टम। तो सबसे पहले टैप रूट सिस्टम के बारे में कर लेते हैं। टैप रूट सिस्टम में होता है क्या है, टैप रूट सिस्टम में क्या होगा, इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट अराइज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द स्टेम। मान लो ये कोई तना है पौधे का, ये मिट्टी है, इसमें एक मेन जड़ होगी, इसके साथ छोटी छोटी जड़ें होंगी, ठीक है। ए नंबर ऑफ टीनी ब्रांचेज कॉल्ड सेकेंडरी रूट, इसके साथ जो छोटी छोटी जड़ें होंगी उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी रूट। एग्जांपल आप ले सकते हो मस्टर्ड, नीम, रोज, इन सभी का। ये तो हमारा रूट सिस्टम में पहला टैप रूट। दूसरा जो हम करेंगे वह हमारा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में देखो, मान लो ये हमारे पास कोई प्लांट्स है, इसमें जो जड़ें होंगी वो सारी की सारी फैली होंगी, कई सारी जड़ें होंगी, यानी एक मेन जड़ नहीं होगी। तो देखो, ए बंच ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस, जहाँ पे हमारा बेस आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक लिखी गई है, बेस ऑफ स्टेम, यानी तने के बेस से नीचे भूमि के अंदर कई सारी जो जड़ें होंगी वो मिलकर फाइबरस रूट सिस्टम बनाएंगी। एग्जांपल ले सकते हो आप वीट का और माइज का। उसके बाद देखो जो रूट सिस्टम है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। रूट का काम क्या होता है, वाटर को अब्जॉर्ब करने का, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट है सोयल से उनको लेने का। इसके अलावा रूट किस चीज़ में हेल्प करती है, प्लांट्स को खड़ा रखने में, सोयल इरिजन मिट्टी के कटाव को रोकने में हेल्प करती है, फूड को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोप्स रूट्स ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो जड़ें होती हैं ये प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम भी करती है। तो ये तो था हमारा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हमने रूट्स के दो टाइप किए, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा शूट सिस्टम, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो शूट सिस्टम के बारे में देखो, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द सोयल, पौधे का वो भाग जो मिट्टी से ऊपर ग्रोथ करता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो बिलो द सोयल, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या हमारे पार्ट आएंगे वो देखिए एक बार आप, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स, ये सभी के सभी हमारे शूट सिस्टम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेम के बारे में। तो देखो ये क्या करेगा, ये स्पेलिंग भी हमारी मिस्टेक दे रखी है यहाँ पर, यहाँ स्पेलिंग आएगी हमारी राइजेज, गिव राइजेज टू ए नंबर ऑफ ब्रांचेज दैट बियर लीव्स, तने से कई, तना होता है क्या, ये क्या करेगा, ये कई सारी टहनियाँ बनाएगा और वहाँ पर जो पत्ते लगते हैं। द स्टेम बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, तने के बनने के बाद ही पत्तियाँ बनेंगी और पत्तियों के बाद फिर फल फूल बनेंगे और फूल के बाद हमारे फल बनेंगे। उसके बाद देखो आगे, अब बात करेंगे हम लीफ की। ये तो स्टेम के बारे में, लीफ देखो, लीफ अराइज फ्रॉम द लीफ बेस, यहाँ पे अराइज आएगा, सॉरी जो हमने स्पेलिंग लिखी थी राइज की उसकी बजाय अराइज लिख लेना आप। लीफ अराइजेज फ्रॉम द लीफ बेस, जो पत्ते बनते हैं, मान लो जो हमारा तना है इसकी कोई टहनी लगी है उसके आधार से बनेंगे, ठीक है। ए लीफ यूजुअली हैज ए पेटोल्स एंड लेमिना, जो पत्ते होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, पेटोल और लेमिना। तो जब बात लीफ की आगे तो हम यहाँ पे लीफ के पार्ट भी करेंगे। तो देखो वन बाय वन करते, सबसे पहले देखो पेटोल्स के बारे में, स्टाल्क ऑफ द लीफ विद विच इट जॉइन टू स्टेम, वो हिस्सा जो पत्ते को तने से जोड़ता है उसको बोलते हैं पेटोल्स। लीफ लेमिना में देखो, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ लेमिना। मान लो ये हमारे पास कोई लीफ है इस तरह से, ये जो कलर होगा लीफ का ग्रीन कलर होगा, इस पूरे पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, लीफ लेमिना। और इस तरह से जो अटैचमेंट वाला ये हिस्सा है इसको बोलते हैं हम पेटोल्स। उसके बाद देखो आगे वेंस, वेंस क्या होते हैं, दीज आर द नेटवर्क ऑफ स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरी प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ लीफ। कहने का मतलब क्या, बिल्कुल छोटी छोटी नैरो और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उनका जाल बिछा होगा मिडरी के दोनों साइड में। तो देखो मान लो ये हमारे पास कोई लीव्स है, मिड रिब होती बिल्कुल बीच वाली लाइन, तो इसमें जो पूरा इस तरह से जाल बिछा होगा ये बिल्कुल छोटा छोटा है, ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, वेंस। तो फिर ये बात तो थी हमारे लीफ के बारे में, ठीक है। लीफ का आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं, वो देखिए, ये देखिए हमारा लीफ का डायग्राम, इस तरह से जो हमारी लीफ होती है, ये देखिए ये हमारा लीफ का डायग्राम है, जो बिल्कुल बीच वाली सीधी लाइन है ये हमारी होती है मिड रिब, और ये जो पूरा पूरा नेटवर्क फैला हुआ ये हमारा क्या होता है, वेंस।
तो ये डायग्राम हमने लीफ का किया। लीफ के डायग्राम के साथ साथ आपने जो टैप रूट सिस्टम और फाइबरस रूट सिस्टम किया था उनके डायग्राम और दिखा देते हैं आपको, वो देखें। ये देखिए जो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी रूट्स की, ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। इस तरह से अगर एक ही मेन रूट होती है और उसके साथ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर जो होती हैं रूट्स की, जो मेन रूट एक हो तो उसको बोलते हैं टैप रूट, और इस तरह से फैली हुई कई सारी वो होती है हमारी फाइबरस रूट्स के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लीफ का डायग्राम भी आपको दिखा दिया और टैप रूट सिस्टम और फाइबरस रूट सिस्टम, या बोल सकते हो टैप रूट और फाइबरस रूट दोनों का ही आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। उसके बाद देखें आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, आगे हम करेंगे फ्लावर के बारे में। तो देखें फ्लावर के बारे में क्या है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। पौधे का सबसे, या पौधों का जो जनन वाला अंग होता है वो फ्लावर ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लावर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है फ्रूट नहीं बन पाएंगे, और फ्रूट नहीं बनेंगे तो सीड भी नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कोई भी प्लांट वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम जो हमारे फंक्शन रहते थे स्टेम के वो और कर लेते हैं। जो स्टेम होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, पौधे को सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा इट बियर्स इंपॉर्टेंट प्लांट्स पार्ट, जो पौधे के जरूरी भाग होते हैं वो इसी से बनते हैं। इट आल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, भोजन के और जल के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर फूड, जो भूमि के नीचे जो तने होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा रखने का काम करते हैं। थिक एंड फ्लैसी स्टेम्स मेक फूड, जो मोटे तने होते हैं वो भोजन बनाने का भी काम करते हैं। जो स्टेम होते हैं वो क्या करें, मॉडिफाइड इंटू डेंड्राइट्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट्स फॉर प्लांट्स, पौधे को अलग से सहायता देने का काम भी करते हैं जब ये अपना एक पूरा पूरा नेटवर्क बना ले, जिस तरह से आप देख सकते हैं बरगद का जो पेड़ होता है। उसके बाद देखें फंक्शन ऑफ लीफ, पत्ते के कार्य। एक तो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करेंगे, यानी जो वाटर का लॉस होता है, प्रोसेस ऑफ लॉसिंग, वाटर बाय लीव्स ऑफ ए प्लांट, पौधे के अंदर जो वाटर का लॉस होता है वो लीव्स के थ्रू ही होगा, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं पोर्ज होते हैं उनके थ्रू। प्रिपेरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लीफ होती है लीफ के अंदर जो उसका ग्रीन कलर होगा वो किस चीज में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, यानी कि पौधे के लिए भोजन बनाने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूल के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, दीज बिकम फ्रूट्स दैट स्टोर फूड एंड सीड्स, जो फूल होते हैं उनसे फल बनता है जिसको हम भोजन के रूप में भी इकट्ठा रख सकते हैं और सीड्स के रूप में भी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो हमारा है, मॉडिफाइड फ्लावर लाइक कैलीफ्लावर ब्रोकली आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, जैसे बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सारे के सारे जो फूल से ही बनते हैं जो गोभी वगैरह है, तो उनके अंदर विटामिन के अमाउंट ज़्यादा होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो ये भी हमें फ्लावर से ही मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। तो फ्लावर्स के जो पार्ट हैं उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लावर्स का, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या है, पेडिकल देखो, स्टाल्क ऑफ द फ्लावर थ्रू विच द फ्लावर इज जॉइंट टू ब्रांच, इट इज जॉइंट टू द ब्रांच। कहने का मतलब क्या, मान के चलो कोई भी फूल है जो वो टहनी से जुड़ा होता है, मान के चलो ये हमारी टहनी है, इससे जुड़ा हुआ ये होता है हमारा पेडिकल। उसके बाद देखो सेपल, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन दी थैलेमस, जो थैलेमस होता है उसके ऊपर हरे रंग की जो पत्ते जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं हम सेपल। ठीक है, ये फ्लावर के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल है। पेटल्स के बारे में देखो, ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इनसाइड द सेपल्स, सेपल्स के अंदर जो पत्ते जैसी संरचना होगी उसको बोलेंगे हम पेटल्स। जो पेटल्स होते हैं उनका मेनली काम क्या होता है, इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने का, इसके अलावा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करने का। उसके बाद देखो स्टेमन, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है नीडल लाइक सुई की जैसी। मेल ऑर्गन होगा फ्लावर का, इसमें दो पार्ट होंगे, वो दो पार्ट कौन कौन से होंगे, एंथर और फिलामेंट। तो दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, एंथर और फिलामेंट को। तो एंथर के बारे में देखो, द स्वोलन टिप ऑफ ईच स्टेमन दैट इनक्लोज इन इट ए स्मॉल पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन,
जब कभी आप देखा होगा आपने सरसों के खेत में से जब आप जाते हो तो आपके कपड़ों पर येलो येलो कलर के हल्के हल्के सब्सटेंसेस पाउडर जैसे लग जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर ग्रेन, जो एंथर के अंदर ही बनते हैं। फिलामेंट के बारे में देखो, लॉन्ग स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर दैट जॉइन एंथर विद थैलेमस। जो फिलामेंट होते हैं ये एंथर को जोड़ने का काम करेंगे, किससे, थैलेमस से। उसके बाद देखो कार्पल, ये क्या होता है, फ्लास्क पे होता है और बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होगा फ्लावर का, फीमेल ऑर्गन है फ्लावर का। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर और फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। मेल ऑर्गन तो हमारा स्टैमन है और फीमेल ऑर्गन हमारा कार्पल है। इसके भी हमारे तीन पार्ट हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो देखो स्टाइल के बारे में, लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक्स की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। स्टिग्मा के बारे में बात करें, स्मॉल राउंड और स्टिकी पार्ट है कार्पल का, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल द ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टाइल के जो ऊपरी हिस्सा था वहाँ पर पहुँचेंगे। ओवरी के बारे में बात करें, स्वोलन पार्ट होगा या बोल सकते हो कार्पल्स के अंदर ही ओव्यूल्स या ओवरी होंगे। अब हम इसका डायग्राम कर लेते हैं अच्छे से, वो देखें। ये देखिए हमारा डायग्राम, जो पार्ट है स्टैमन, एंथर, पिस्टल। इसके अलावा जो हमने बात की थी और जो हमारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, तो उसी जो हमारा फ्लावर का वो डायग्राम था उसको अगर हम और ज़्यादा क्लोजली देखें तो उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगी। ऊपर वाले हिस्से को हम एंथर बोलते हैं और ये होता हमारा फिलामेंट, जिसके बारे में हमने क्या बात की थी, जो एंथर को ज्वाइंट करने का काम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पिस्टल की, पिस्टल के अंदर हमारे पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल। ओव्यूल यहाँ पे होते हैं और स्टाइल के थ्रू ही यहाँ पर पहुँचेंगे ओवरी के अंदर। ये होता हमारा ऊपरी हिस्सा स्टिग्मा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको कट करके देखेंगे, अगर आपने ओव्यूल्स का डायग्राम देखना अच्छे से, तो वो हमारा इस तरीके से होगा। ये होते हैं हमारे ओव्यूल्स। और इसी के साथ साथ हमारा जो लेसन है ये मोस्टली हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी आपके किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारे क्वेश्चन बने हैं टैप रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम, इसके अलावा फ्लावर का डायग्राम, फ्लावर की स्ट्रक्चर, फ्लावर के सभी पार्ट्स, उनकी वर्किंग, फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शन ऑफ फ्लावर, ये सभी आपने नोट करने हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। अगर किसी पॉइंट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और इनसे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।